आलू गोभी मटर, जी हाँ आज की यही सब्जी है। तो आइए शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल ले लेते हैं, गर्म हो जाने पे उसमें थोड़ा सा जीरा, जीरा हमारी चटक गई, इसमें गोभी को अच्छी तरह से धो के और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेते हैं। तो ये हमारी गोभी भुन रही है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी खूबसूरत गोभी, कढ़ाई में फिर से तेल लेंगे, उबले हुए आलू को इसमें डाल के इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक इसको डाल के और अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल आलू सुनहरी हो गई है, बहुत प्यारी। कढ़ाई में फिर से तेल लेंगे, जीरा डालेंगे, जीरा चटक जाए तो उसमें पत्ता गोभी डालेंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते वो पत्ता गोभी भी इस समय में भून सकते हैं। ये है जीरा, काली मिर्च, अदरक, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी इसका पेस्ट है, थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन सभी पाउडर को इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। इसमें हरे मटर, ताज़े ताज़े मटर इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक भुनेंगे। थोड़ी सी नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत होता है, अच्छा होता है। इसमें गोभी हमने डाल दी है और इसको अच्छी तरह से भून दिया। फिर पानी डाल लेते हैं, पानी डाल के इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है और सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसमें जो भुने हुए आलू थे उसे भी डाल देते हैं। बर्तन छोटा पड़ गया, हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए एक भगोने में। अब इसमें सब्जी बना रहे हैं, ये सारे सब्जियों को आराम से मिक्स कर लेंगे और इसमें अंत में धनिया पत्ता डाल के बिल्कुल शानदार सब्जी तैयार कर लेंगे। इसमें एक चम्मच देसी घी अंत में डाला है, हरा धनिया डाला है, हमारी सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल लाजवाब स्वादिष्ट सब्जी, इसे हमने चख के ट्राई किया है। ये देखिए बहुत ही शानदार बनी है, बहुत प्यारी खूबसूरत। धन्यवाद।